24 घंटे के लिए बस हर बात में कहना यस, जो मैं कहूंगी आपने मानते जाओ। सब उठ गए हैं, बाय बाय कर दो। 4 hours नहीं होगा, मैं एक घंटे में आपको मैंने नानी याद ना करवाई। जाने ने कुछ नहीं लेना है, अभी तंग कर रही है। 20,000 जूता बहुत पसंद आ गया, पैसे 40,000 सिर्फ उसी 20 मिनट रह गए ना करें। मैंने कोई नाजायज पैसे नहीं लगवाए। आपसे प्याज वगैरह भी कटवाऊंगी, अपने काम सारे मेरे से करवाई जो है ना। अरीब काम, ये भी काम है। ऐसे व्लॉग बना लो। चैलेंज करती हूँ कि आप व्लॉग बनाएं। This is me, Ikra Kamal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. तो नहीं, मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं वैसे रात को सोची थी, मैं सोच रही थी कि सुबह मुझे क्या कंटेंट बनाना है, और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी रीड कर रही थी। तो उसमें जो है ना, वो मोस्टली लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि प्लीज अरीब भाई के साथ एक व्लॉग बनाएं और उसमें 24 आवर का चैलेंज करें कि वो आपको यस कहेंगे 24 आवर के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके साथ ये चैलेंज किया जाए। तो मैंने उनको मॉर्निंग में कॉल करी थी कि आज कोई प्लान करते हैं, आज जरा एंजॉय करते हैं, आप मेरी तरफ आ जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया, ही सेड कि क्या काम है। मैंने कहा बस मुझे काम है, आप घर पे आओ, कैमरा के सामने मतलब उनको कन्विंस करूंगी। 24 आवर में आपने मुझे सिर्फ यस ही बोलना है, यस के अलावा नो की ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आज आप लोगों को और मुझे दोनों को ही बहुत मजा आने वाला होता है। मेरी शॉपिंग हो जाएगी हमेशा, पिछली दफा याद है एक व्लॉग में सिर्फ फरीद ने अपनी शॉपिंग की थी, मेरी रह गई थी क्योंकि मॉल बंद हो गया था। लेकिन आज मैंने चलाकी लगाई। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4, और फिर हो सकता है मैं अरीब से खाना बनवा लूं, अरीब से कहूं मुझे पराठा बना के दे, तो बोलूंगी और बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा। अभी चलते हैं नीचे जाके अपने घर वालों के ऊपर ये बम फोड़ती हूं कि मैं आज जुल्म करने वाली हूं आपके दामाद पे। तो लेट्स गो। नाश्ता भी नहीं किया आज, मेरा मूड नहीं है फटा पराठा खाने का। मैंने आटा निकाल के रखा हुआ है, मैंने कहा आती है एक पराठा बनाती हूं। आपको पता नहीं है आज मैं करने क्या वाली हूं। क्या आज मैं करने वाली हूं अरीब के साथ 24 आवर का चैलेंज। आज उसको मुझे यस कहना पड़ेगा जो भी उसको कहूंगी। हो सकता है मैं उसे बर्तन धुलवा लूं, हो सकता है मैं उसे सफाइयां करवा लूं। मैं क्यों करूं, मैं पागल हूं। नहीं, ये चैलेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, मैं पागल हूँ। मैं हमेशा वही चैलेंज सेलेक्ट करती हूँ। अय अल्लाह, मम्मा कहेंगी यस यस। मुझे लगता है अरीब आ गए। अगर उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं करना आज, मेरे पास टाइम नहीं है। मम्मा वो टाइम निकाल के मैंने बड़ा इमोशनली अत्याचार करके बुलाया है। आप कौन? बैटमैन। वालेकुम अस्सलाम। इतना दिन जल्दी जल्दी बुलाया है? हाँ जरूरी, टाइम पे तो क्या तैयार हो गया, फिट फिट वॉच फिट शूज। मैं नहीं फिट लग रही। आप हमेशा ही फिट होती हैं, आप हमेशा ही फिट होती हैं, आपको कहने की जरूरत है? यही सुनना है। हाँ आंटी है, पापा नहीं है। तो काम क्या लगती? जरूरी, बहुत जरूरी है। अरीब काम नहीं है, मुझे लग रहा है कोई जरूरी काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मम्मा ब्लैक कॉफी पीती है। यू नो माशाल्लाह ब्लैक कॉफी। हाँ फिटनेस बिजनेस वुमन। मम्मा ने एक दिन मुझे पिलाई। हर कड़वी चीज में फायदा, मीठे में नुकसान। आपके साथ करना है एक चैलेंज। अत्याचार। अरीब वो तो हमेशा करती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ना करे। क्यों विलन बना रहे हैं मुझे? विलन नहीं है। हाँ विलन नहीं होना, बड़ी विलन है। अरीब सबसे बड़ा विलन है। अच्छा अरीब आपके साथ मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज। उस चैलेंज में है कि 20 लाजमी मेरे साथ करना है। आपके साथ ही करना है क्योंकि कमेंट्स आए हुए थे और मैं अपने फैंस की बात को नहीं टाल रहा। मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना वो बहुत ही जेन्युइन है, वो कहते हैं कि अरीब भाई के साथ 24 आवर यस का चैलेंज करें। आपने मुझे 24 घंटे के लिए बस हर बात में कहना है यस, जो मैं कहूंगी आपने मानते जाना। पापा के साथ यस।
यही होता रहेगा, मैं जा रहा हूँ वापस। अरे नो मामा मनाए ना यार, ये क्या चैलेंज हुआ? अरे मेरे सब्सक्राइबर्स पे आपका भी कोई हक बनता। ये बात है, पहले ये करो ना, पहले देखो स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना, पहले मामा पापा फिर मैं आता हूँ। देखें हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते, हम चलते हैं अपनी ऑडियंस की डिमांड पे, क्योंकि हम हैं दी बेस्ट व्लॉगर। करना क्या होगा फिर आपको? बस यस कह रहा मैं, शायद कहूँगा अरे बर्तन धो दो, अरे का अरे यस 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 अब इतना जल्द में नहीं करूंगी, लेकिन बर्तन धुलवा सकती हूँ, आटा गुंदवा सकती हूँ, रोटी पकवा सकती हूँ, बड़ा मजा आएगा। अरीब कैसी रोटी पकाएगा? रोज चैलेंज करते हैं, आज अरीब आज भी चैलेंज है। अरीब अच्छा नाश्ता बनाने का दिन चला, मेरी ऑडियंस ने कहा चैलेंज करते हैं, आओ चैलेंज करें, आज आप बनाओगे नाश्ता, आज बनाओगे यही होने वाला है। वैसे आंटी ने मुझे बता दिया, फोन कर रही है आंटी मुझे भी से। तो ये तो होगा, मेरी ऑडियंस मेरा साथ देगी शादी के बाद भी। क्या करना है अभी आपने जो है ना, वो मेरे साथ चलना, मुझे शॉपिंग पे लेके, मैं तैयार हुई इतनी किचन के कामों के लिए। चलो अभी तो हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए। यस कर दो, तो यस यस इतनी शॉपिंग, मुझे कहीं रोकेंगे नहीं किसी गर्ल, ये नहीं हर चीज जो होगी मुझे लेके देनी। हाँ नहीं 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 ये नहीं होगा। अरे ये क्या बात हुई, यही तो यस है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये दोनों हस्तियाँ सो के उठी है, दोनों एक तरह से जा रही है, ऐसे ट्यून्स जा रही है, देखो ना जितनी हो गई है। हाँ माशाल्लाह लंबी हो गई है। हाँ मन ज़ैनब से बड़ी नहीं लग रही? हाँ ज़ैनब बड़ी लग रही। अबे एडिया उठा, मुंह भी मोटा कर ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोगों को पता है मैं क्या करने वाली हूँ? अरीब के साथ 24 आवर का चैलेंज। यानी कि मुझे बताया भी नहीं है, मैं दोस्ती बुला ली है। बता देती तो आप आते हैं। मैं पागल हूँ, मैं बता देती। कहाँ का गिफ्ट तुमने अभी तक दिया नहीं है, तुम चैलेंज करने आ गई। कहाँ का गिफ्ट कहाँ पे जो भी देना था, लेडीज पे फिर ऐसा करना, तुम एक इसको गिफ्ट भी लेके दोगी फिर। अच्छा उसका हाँ। गिफ्ट भी बीच में पूरा करें, कितने चालाक है यू, वेरी चालाक, वेरी चालाक। कार्ड खाली होगा, अरे बैग रख, अकाउंट खाली करवा देंगे। कुछ सोचना पड़ना मुझे, इस तरह तो नहीं सही है। ये हमेशा ज़ैनब और आगा मुझे लूटती है ना, हमने तो लूट लिया, अब हम लूटेंगे अरीब को। लूटने के लिए बदरी भी है। मम्मा मेरा हक है उस पर पूरा पूरा, ऐसे मामलों में हक आ जाता है। अरीब कुछ खाना पीना पहले बताएं, अरे बस कर दे आप, स्ट्रेटेजी नहीं लगाएंगे, चलाकी नहीं लगाएंगे। कुछ मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आप मुझे नाश्ता कराएंगे। चले अब हम गाइस निकलने लगे हैं, आगे जाके बड़ा फन होने वाला है, लेट्स गो। सर देखो जरा अरीब साहब आए हुए हैं अपने इस छोटू बिल्ली के साथ ही हमारे, ये गाइस ये लड़का है, प्लीज इसको लड़की कहना बंद करें। सब उठ गए हैं, बाय बाय कर दो, हम जा रहे हैं अरीब को लूटने और साथ में चाचू को लूटने। ओके बेबी हम चाचू को लूटेंगे, ठीक है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर रहे भाई, हेलो। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अरीब का समय शुरू होता है। समय समय कोई शुरू नहीं होता, ठीक है। मैंने 24 आवर्स नहीं होगा, मैंने अरीब क्या हो गया, मैंने जानना है, मैंने कहीं हजार चीजें नहीं जानने दूंगी आज। सेइंग यस है मतलब है, नहीं जाना, सेइंग यस का मतलब है 20 मिनट है आपके पास। अच्छा 20 मिनट में आपने जो लेना आप ले सकती हो, ठीक है। अच्छा मैं दूंगा आपको, मेरा कार्ड आपके पास होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी मेरे काके का होगा सारा। 20 मिनट है आपके पास, ठीक है। 20 मिनट में तो मैं सोचती रह जाऊंगी कि मैंने लेना क्या है, क्या अब ये मेरा मसला तो नहीं है। क्यों लड़कियों का अरीब एक घंटा भी लग जाता है सिलेक्शन में। चलो फाइनल एक घंटा दूंगा तुम्हें, नहीं एक घंटे में भी सोचा कार्ड तुम्हारे पास होगा, नहीं नहीं आप जो मर्जी करो। अरीब नो, लेकिन सेंसिबल चीजें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग प्रॉपर शॉपिंग करेंगे, ऐसा नहीं है अरीब। नहीं अरीब एक घंटा अगर गाड़ी वापस मोड़ने लगे है ना, अरीब सिंह यस है, सोच लें एक घंटा आप मुझे देंगे, एक घंटे में आपको मैंने नानी याद ना करवाई तो मेरा नाम बदल के इकरा कवल से कुछ और रख देना, अंदाजा ही नहीं है आपका होने क्या वाला है। एक घंटा दे रही है अब, एक घंटा कह दिया ना तो मतलब हम लोग टाइमर में प्रॉपर स्टार्ट करूंगी, एक घंटे से ना एक मिनट ऊपर ना एक मिनट नीचे, तो लेट्स स्टार्ट वहाँ जाके क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, आपका पहला टास्क मेरा नाश्ता, ठीक है। पहला टास्क स्टार्ट है ना? हाँ जी। नहीं नहीं घंटे में, नहीं 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 नहीं, पहला टास्क स्टार्ट है ना, ये कार्ड है मेरा, ठीक है। 449 आपने खुद कहा पहला टास्क है, अब आप नाश्ता करें आप जो मर्जी करें, ये गलत बात है। 550 पे टाइम खत्म हो जाएगा, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। नाश्ता नहीं, इट्स अप टू यू। बड़ी खुशी हो रही है, तो लड़कों को ना फजूल की खुशियाँ होती है।
मुझे तंग कर रहे हैं, मैंने तंग करना था, मुझे तंग करना स्टार्ट हो गया। ऐसा चलते हैं, ऐसा ऐसा टाइम नहीं शुरू आ रही मॉल के अंदर जाके टाइम। नो नो नो, अभी इसको पता नहीं इसके साथ होने क्या वाला है। बड़ा इजी ले रहे हैं ना मुझे, एक घंटे में मैं आपको 5 मिनट में आपका अकाउंट खाली कर सकती हूँ, आप मुझे 1 घंटा दे रहे हैं, आपने मुझे अंडर एस्टिमेट ही कर लिया। तो गाइस मेरा नाश्ता आ चुका है और मैं खाने लगी हूँ मजेदार रैप। 10 मिनट हो गए हैं, टाइम जाया कर रही है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बस खा रही हूँ। और मैं आपको 5 मिनट में भी ऐसा बताऊंगी कि आप याद रखना, मेरे साथ पंगा नहीं, मैं फिर बता रही हूँ। अरीब के कार्ड से पहला बिल, अब चलते हैं अपने मिशन पे। किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि मैं मान जाऊं, घंटे से कम टाइम ले लूं, लेकिन नहीं, वैसे ही आधा घंटा रह गया मेरे ख्याल से। नहीं अरे आधा नहीं रहा, क्या हो गया भैया, इन्होंने कुछ नहीं लेना है, तंग कर रही है, इनको निकाल लें यहाँ से। नो मेकअप लुक लेनी है, इन्होंने कुछ नहीं लेना है, इनको यहाँ से निकाल लें। मैं ऑफिस उनको बुला लूंगा, मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से भाई, लेना है। अब मैंने किसी तरह से रोकना, आपने मुझे नकली शॉपिंग करने वाले बना दिया। हां ठीक है, ये मैं ही अरीब। ले लो टाइम करो, यहां पे टाइम करो। ये कैसी है, मुझे क्या पता, वो चीज है कुछ और देखो यार। नहीं 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 कुछ और देखो, ये बड़ी वो लग रही है, टाइम तो वेस्ट करो ना। बस कर रहे हैं, मैं सिंपल ठीक है। चाहता था कि मैं ना यहां अरीब के पैसे लगवाती हूं, लेकिन कैन यू इमेजिन, ये 40,40,000 का। लो यहां से मैं मजान निकाल दूंगा। अरे मैंने यहीं से शॉपिंग करनी है, जो मुझे अच्छी लगी है, अभी जाकर उसकी कॉस्ट देखते हैं और वो मैं बस बुक कराने लगी, मतलब लेने लगी। अरे ये वाली फाइनल करते हैं, ठीक है कि कितनी है भला, 12,000। दिमाग खराब, 12,000 की सिर्फ बनियान, खाली बनियान। ये प्यारा अरे ये ले लूं, आपसे क्यों पूछ रही हूँ। इसके ऊपर टैग ही नहीं लगाया हुआ, मुझे लगता है 40 लाख की होगी। मुझे अपने बंदे की ना थोड़ा सा ख्याल भी है, मैं क्या करूँ, मतलब इतना भी नहीं लूटना यार। पागल है, 50,000 रुपए की एक शर्ट, इसमें क्या क्या लगा हुआ था। मैं तो कह रही हूँ 40 लाख, 50,000 बहुत कम है यार, उसमें कुछ भी नहीं था। और बस मेरा, मैं तो वहाँ से निकली हूँ, अब यहाँ से देख रही हूँ कुछ अच्छी चीज़ें। अरे अरे शूज अच्छे हैं, अरे जूते शूते देख लूँ। गाइस इस जूतों की तरफ इशारा करके कह रहा है जूते देख लो, ठीक है आपके लिए देख लूँ, कितने चलाक हैं। अरे वैसे हद होती है चलाकी की भी। गाइस मुझे ना एडिडास का एक जूता बहुत पसंद आ गया और उसकी प्राइस है 40,000, तो 40 लाख की अगर आपने मुझे शर्ट नहीं लेके देनी तो क्या मैं जूता ले सकती हूँ। पागल पागल, सिर्फ उसी 20 मिनट रह गए ना कर, मुझे ना क्या फिर मेरे ने क्या पसंद आया। अच्छा है, नहीं इतना बहुत बुरा। अरे मुझे अच्छा लगा। चलो फिर देख लो, तुमने लेना था ले लो। फाइनली मैंने शॉपिंग कर ली है यहाँ से, इसका बदला मैं लूंगा, ये बदला लेंगे आप मेरे से। फाइनली यहाँ पे अटैक कर दिया और मुझे यहाँ पे मैंने 2-4 यहाँ से बुक कर ली हैं और 2-4 मैं ना यहाँ पे देखूंगी कि मुझे ना प्यारे प्यारे ट्राउजर्स भी चाहिए। 10 मिनट रह गया बस, अरीब ना 10 ना करें, अरीब नहीं ना, नहीं टाइम के बाद 10 मिनट रह गए, जो लेना 10 मिनट में ले लो। यकीन करें मैंने ना यहाँ से ना सिर्फ 2 चीजें ली हैं, अभी टाइटी हो रही है मुझे। मैंने कहा था कि आप मेरे से पंगा नहीं ले पाएंगे, लेकिन 10 मिनट मुझे आज भी चीज बहुत, वाह 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 क्या किस्मत, किस्मत होता है ऐसी होता है। नहीं मुझे इसी में साइज चाहिए, मुझे जूता पसंद आ गया और ये मुझे लेके नहीं दे। टाइम लगाए, टाइम लगाए, नहीं नहीं टाइम नहीं, लास्ट पीस आ गया, ये लास्ट पीस है। अरीब का तो बस चल रहा है कि इकरा को ना कुछ पूरा आए ना कुछ मिले और ज्यादा मिलेगा। ये देखिए आपका साइज मिल गया ना, और देखो टाइम वेस्ट करो, कोई बात नहीं। अरीब इंसान बन गया, मुझे तंग ना करे, मुझे ये वाला जूता पसंद आया, चमकती हुई पता लगे ना कि किसी को लूट के आई हूँ। ये जूता, इसमें प्लीज साइज दे देना मुझे प्लीज। देखिए जरूरत भी नहीं है, एक की बजाय 2-2 ले। आपको मौका मिले ना तो कोई कलर ना जाने दो, ग्रीन हो, पिंक हो, ब्लू हो, रेड हो, फरमाइशें पूरी करने का वक्त अब है। बस खत्म होने लगा टाइम, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट जल्दी जो करना, जल्दी 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 टाइम कम है। हाँ मैं शॉपिंग कर रही हूँ, आप लोगों के भाई को लूटने के लिए आई हूँ यहाँ पे और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो उनको कह दो कि मुझे ज्यादा ज्यादा शॉपिंग कराए। अरीब अभी तो ये सेइंग यस में सिर्फ शॉपिंग थी, अभी तो और बहुत सी चीजों में आपको यस करवाना है। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, एक और मुझे बच्ची फैन मिली है, ये बहुत ज्यादा देखती है और डांट भी खाती है। अरीब को कहना कि मेरे ज्यादा ज्यादा शॉपिंग है, भाग गया वो, देखो उसको पता है मैंने सिफारिश करवानी है और निकल गया। मुझे यहाँ शॉपिंग करवाने आया और मुझे करवा नहीं रहा, मुझे कह रहा है 1 घंटा चल तुम्हारे पास, ठीक है उसको आपने भी जाते जाते बोल, ओके अभी बोल दो, बल्कि मेरी तौबा, आइंदा के बाद मैं इसको कहीं पे लेके आ गया, खत्म हो गया बस, अब नहीं मैं कुछ ले रहा। ये क्या करनी है, तुम्हें खुद सोचो ये क्या करनी है, फाइनल डेट बस,
तो बस ये एंड है यहाँ पे, खत्म। फाइनली मेरी इतनी शॉपिंग डन हो चुकी है, चले चले आगे, चले चले नहीं नहीं ये देखें, मैंने कोई नाजायज पैसे नहीं लगवाए का। अभी 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 आप बिल काउंट कर लेना, ठीक है? फिर हम लोगों को बताएंगे कि टोटल मैंने आपके कितने पैसे लगवाए हैं, ठीक है? सो गाइस फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई थी। रीप को लगा था कि एक घंटे में मैं उसको पूरा नहीं लूट पाऊंगी, लेकिन मैंने तो लूट लिया। आइंदा के बाद चीजें, एक जूती की जगह दो जूतियां। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी तौबा। कार्ड वापस करें प्लीज मेरा। सर ये आपका कार्ड आपके हैंड ओवर कर दिया। ये देखो मैं बिल दिखाता हूँ, सिर्फ बिल, सिर्फ बिल दिखाने लगा आप लोगों को। बिल 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 है ये, बिल नहीं दिल दे देखे। हाँ, मेरा बिल ना दिखाए, दिल देखे। अरे ये बिल नहीं, दिल को टोटल करके बताओ मैं कितने पैसे तुमने लगाए हैं। अस्तगफिरुल्लाह ना करे ना, अभी दूसरों को क्यों बता रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, टोटल का पता कितने बनते हैं? हाँ नहीं बताए हम, यही की बात। आप लोगों को बताया जाए टोटल? बस ये है कि बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं। करीब अभी रिफ्रेशमेंट रहती है ना, बाकी रिफ्रेशमेंट। अब बस घर चलो प्लीज। देखिए चल चल के मैं भी थकी हूँ इस चैलेंज में, मैं अब ज्यादा खपी हूँ, मेरा तो स्टेमिना। सारे बैग मैंने पकड़े हुए, सब कुछ मैंने किया। आपने पकड़ना था, आपने चेक जो रखना था किसने पैसा कितना लगाया मेरा। अभी हमारा यस चैलेंज खत्म नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया है, हमने कर लिया। अब हम जा रहे हैं वापस, रात हो गई है, शाम हो गई है, अब बस। नहीं मैंने चैलेंज कंप्लीट किया है, अभी मेरा यस खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं आज आपसे प्याज वगैरह भी कटवाऊंगी, कोई सब्जी कटवाती हूँ, पता लगे आपको वो बनाना आता है या नहीं आता। अपने काम सारे मेरे से करवाई जो है ना। अरे काम ये भी काम है जो अभी मैं कर रही हूँ, मैं कर दूँ इतना इजीली। क्या कह रहे हैं आप? इतना इजी मैं ऐसे बना लूँ, कैसे ऐसे व्लॉग बना लूं? ये कह रहे ना अरीब कि यू ऐसे ही व्लॉग बना ले। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप व्लॉग बनाएं, अपना चैनल बनाएं और व्लॉग बनाएं। एवी एवी सारी ऑडियंस आ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं नहीं कर सकता ये। एवी सारी अब तो भाई, अब तो मेरी उसमें ईगो हर्ट हो गई है। अब तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, एक व्लॉग बनाए ताकि आपको पता लगे, ऑडियंस कम हो जाएगी, सारी मेरे पास आ जाएगी। अच्छी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो तुम दुखी हो जाओगी। नहीं नहीं मैंने अब चैलेंज, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, आप मुझे कमेंट में बताएं कि अरीब को ये चैलेंज देना चाहिए कि अरीब अपना चैनल बनाए और एक व्लॉग अपलोड करे, फिर लगेगा पता कि इकरा कवल क्या काम करती है। ऑडियंस ने कहा ना अगर कमेंट्स आए, अच्छा चलो फॉर एग्जांपल 50 कमेंट्स आ गए, अच्छा मैं एक वैसे एक नंबर दे रहा हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें एक व्लॉग, एक व्लॉग। हाँ। और वो मेरे चैनल पे नहीं लगेगा। अच्छा वो अरीब परवेज चैनल बनेगा। चैनल आई नहीं मेरा। वो बनाएंगे आप, आपको पता लगे चैनल बनाना, फिर उसके ऊपर वीडियो डालना, फिर मेरे चैनल व्यूज कम हो जाएंगे, व्यूज कम हो जाएंगे। मुझे खुली धमकियां दे रहे, मेरी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है, मेरे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाते, आपको पता है इस बात का। माशाल्लाह मुझे देखने जरूर आएंगे, मुझे पता है इस चीज का। बात चले एक दिन में 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, तुम कहो डिपेंड करता है कमेंट्स पे, पढ़ना नहीं है मेरे से ये चीज होगी, कमेंट पे डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट करके एटलीस्ट 50 कमेंट, एटलीस्ट 50 नहीं नहीं आप ज्यादा कर दीजिएगा, जिसको जो हिसाब लगे। मैंने तो अरीब को चैलेंज दिया बिकॉज आई वॉन्ट उनको पता लगे कि मैं क्या काम करती हूँ, सही है ना। फिलहाल जा रहे हम लोग घर, और घर वालों पे जाके अम्मा ने मेरी जो वाट लगानी है ना कि तुम एक मेरे बच्चे के इतने पैसे लगवा के। मैंने आंटी को शिकायत लगानी, मैं आंटी को जाकर शिकायत लगाऊंगा, देखिए इसने किया क्या मेरे साथ। चलो बेटा चलो। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और ये एक लड़का जो इतनी मासूम शक्ल बना के की बड़ी पड़ी है, निकाल निकाल के वैसे खा गई। या अल्लाह इकरा कवल यू आर टू मच यार, मतलब बनते हैं यार, मतलब कह रही है इकरा कवल यू आर टू मच, तब नहीं ख्याल आया लेते वक्त है, बिल्कुल नहीं ख्याल आया। मुझे ख्याल आया तो इतना सा लिया, वरना बहुत रश होता है यहाँ पे। ये तो हाई अल्लाह इतना नहीं है। ये मेरा प्यारी शॉपिंग है, ये मेरी प्यारी मी है, ये प्यारी शॉपिंग है। ये देखे इसने क्या किया मेरे साथ, क्या गंद उठा रहे हैं मम्मा, गंद नहीं है मम्मा। इसी को मैंने समझाया भी है, इतना बोला है, ये नहीं रुकी इसको, ये इसके आप क्लास लगाएं। यस का नतीजा निकाला है, यस का नतीजा निकाला, मेरा जूस निकाल दी। ये आपने इसकी क्लास लगानी है उसकी। कितनी शिकायतें लगाएंगे, शिकायतें क्या लगाएंगे, बनता रहा हमने मना किया हमें। या अल्लाह मम्मी, मम्मी ना देखे ना, आपके काम की चीजें नहीं है अंदर, सिर्फ मेरे। राबिया तो खुश होगी, बल्कि राबिया मैं तेरी बहन हूँ ना, फिर अच्छी अच्छी शर्ट, अच्छे अच्छे कुर्ते, अच्छी अच्छी चीजें। ये तो मम्मा ने ले लिया, आप मम्मा को शिकायत लगाए थे, मम्मा यो मोम बन के वो बैठी है, ये मुझे अच्छी लगी है, मेरे लिए क्यों नहीं खुश लगी है। कल की शादी में काम, आपकी शादी तो होने वाली है।
ये शर्ट अरीब ने अपने लिए ली है। हाँ ये भी मैं रखने लगी हूँ। वो कहते हैं ना अभी से बरी बनाना शुरू है ना, ये भी लिया। हाँ जूते प्यारे लिए ना, पढ़ने चाहिए पढ़ने चाहिए मारे इसको। मम्मी ने फंसा लिया मेरा जूता। हाँ मम्मा ये फंस गया बड़ा नंबर। हाँ था ये मुझे भी एक दिन यस करा दो। लगाए शिकायत लगाए मेरी अम्मी है वो भी। मुझे बस जूता अच्छा लगा, बात की सच्ची बात। शर्टे शूटे कुछ नहीं अच्छा लगा। तो जाहिर है शर्टे आपने थोड़ी पहनी। टोपी तो आपको प्यारी लग रही है। ओके आंटी फिर हाफिज़ अल्लाह बाय बाय। लगा ली शिकायत हो गया। मैंने तो आपसे प्याज कटवाने थे। ये देखे मेरी मम्मी ने क्या किया। पहले हम अरीब को करने लगे हैं अब सी ऑफ बाय बाय टेक केयर। और वो कर लुट गए हम तो तेरी मोहब्बत में जा रहे हैं। आ कॉफी नहीं अरीब बस आपने पी। चलो नेक्स्ट टाइम बाय बाय टेक केयर कर दे लोगों को। बाय बाय टेक केयर। ओके बाय बाय अरीब साहब हम जा रहे हैं। अरीब का व्लॉग आना है भाई। गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो खैर जा रही हूँ अभी अंदर। अरीब साहब घर जा रहे हैं अपने। थक के कमरे में बैठी हूँ। इस मोहतरमा ने ये शर्ट भी चढ़ा लिया। फातिमा ना कोई हद होती है, कोई लेवल होता है, कोई लिहाज होती है, कोई शर्म होती है, कोई तमीज होती है, कोई परमिशन होती है, कोई। अभी मैंने ये शर्ट गौर से देखी भी नहीं है। तो जा कहाँ रही हो अभी? या अल्लाह इस लड़की ने जो है ना वो हाँ सा चमक। चलो बन जाओ। बहनों के घर में कोई चीज आ जाए तो आपकी नहीं बख्शी जाती। क्या चाहिए तुमको? अच्छे रिंग्स। ये देखो ये इतने कूल लगते हैं यार वो इसमें। और मैं आपको बता दूं कि मेरी ये मोहतरमा बहन इस वक्त कहीं पर भी नहीं जा रही है। ये वीडियो बनाने के लिए Oh my God, अगर फातिमा उनके खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं आज से उधर भी जाना बंद होगा। मैं आपको बता देती हूँ आप घर रह के कैसे पैसे कमा सकते हैं। सिंपली अपना घर बेचे पैसे। So guys, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़। मैं लगी हूँ सोने। गुड नाइट।